जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी, ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नीत नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया, तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है, और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है। हालात तो ये हो गई है कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। साथियों, मुश्किलें आती है, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वजह से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए? क्या पहले के 6 महीने जैसे बीते हैं उसकी वजह से ये मान लेना कि पूरी साल ही ऐसा है, क्या ये सोचना सही है? जी नहीं मेरे प्यारे देशवासियों, बिल्कुल नहीं। एक साल में एक चुनौती आए या 50 चुनौतियां आए, नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता। भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है। सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, उसे संकटों में डाला। लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, भारत की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है सृजन शाश्वत है, सृजन निरंतर है। मुझे गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। उसी गीत में आगे आता है, क्या उसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाए, कंकड़ पत्थर की हस्ती, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए। भारत में भी जहां एक तरफ बड़े बड़े संकट आते गए, वहीं सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेकों अनेक सृजन भी हुए, नए साहित्य रचे गए, नए अनुसंधान हुए, नए सिद्धांत गढ़े गए। यानी संकट के दौरान भी हर क्षेत्र में सृजन की प्रक्रिया जारी रही और हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती रही, देश आगे बढ़ता ही रहा। भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढ़ियों में परिवर्तित किया है। इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है। आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे, 130 करोड़ देशवासी आगे बढ़ेंगे, तो यही साल देश के लिए नए कीर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा। इसी साल में देश नए लक्ष्य प्राप्त करेगा, नई उड़ान भरेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे पूरा विश्वास 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर है, आप सब पर है, इस देश की महान परंपरा पर है। मेरे प्यारे देशवासियों, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान
भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदर कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मुझे असम से रजनी जी ने लिखा है कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है। प्रण ये कि वो लोकल ही खरीदेंगे। इतना ही नहीं, लोकल के लिए वोकल भी होगी। ऐसे संदेश मुझे देश के हर कोने से आ रहे हैं। बहुत से लोग मुझे पत्र लिखकर बता रहे हैं कि वो इस ओर बढ़ चले हैं। इसी तरह तमिलनाडु के मदुरई से मोहन रामामूर्ति जी ने लिखा है कि वो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं। साथियों, आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था। हमारे यहां अनेकों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीछे थे वो आज हमसे आगे हैं। आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे, हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाभ उठाना चाहिए था, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है।
आप किसी भी प्रोफेशन में हो, हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है। देश की आवश्यकता को समझते हुए जो भी कार्य करते हैं वो देश की सेवा ही होती है। आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती है। और हमें ये भी याद रखना है, हमारा देश जितना मजबूत होगा दुनिया में शांति की संभावनाएं भी उतनी ही मजबूत होगी। हमारे यहाँ कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन अगली खबर आपको बता रहे हैं।